हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में कुछ गर्म ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए, आज की रेसिपी कुछ ऐसी है कि जिसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत हैं और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं पेठे का हलवा। सबसे पहले आधा किलो एश गार्ड या फिर पेठा या फिर भुआ का पल्प लेकर मिक्सर ग्राइंडर में उसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लें। आप लोग इस सब्जी को क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर 100 ग्राम कच्ची हल्दी और 50 ग्राम अदरक लेकर उसे भी ग्राइंडर में अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लीजिएगा। हल्दी और अदरक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में 5 बड़े चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर उसमें कुछ खड़े गर्म मसाले भी डालेंगे जिससे हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले आधे इंच दालचीनी, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 चक्री फूल डालकर अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही मसालों का फ्लेवर घी में इन्फ्यूज़ हो जाएगा, फिर इसमें हम पिसी हुई कच्ची हल्दी और अदरक डालकर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हल्दी का कच्चापन ना चला जाए। लगभग 10 से 15 मिनट तक हल्दी को पकाने के बाद इसमें पिसी हुई एश गार्ड का पल्प या फिर पेठे का पल्प डालकर इसे भी तब तक पकाएं जब तक कि इसका सारा पानी ना सूख जाए और पेठा और हल्दी अच्छे से ना पक जाए। धीरे धीरे हल्के आंच पर इस मिश्रण को हिलाते हुए लगभग 40 से 45 मिनट तक पकाते रहें जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मैंने ये पैन चेंज कर लिया था क्योंकि पानी सूखने के बाद पेठा नीचे चिपकने लगा था, इसीलिए मैंने हलवे को नॉनस्टिक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया। देखिए हलवा कितनी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, जिसमें सबसे पहले पिसा हुआ 1 नारियल डालेंगे। मैंने यहाँ कच्चा नारियल का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसे भी मैं अच्छे से पका लूँगी। नारियल को तब तक पकाना है जब तक कि उसका सारा पानी ना सूख जाए और वह अपना तेल ना छोड़ दे, ताकि जब हम हलवा स्टोर करें तब वह ख़राब ना हो। लगभग 10 से 15 मिनट तक नारियल को पकाने के बाद इसमें 100 ग्राम दरदरा पिसा हुआ बादाम डालें और इसे भी अच्छे से भून लें। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काजू, अखरोट, छुहाड़े। इन सब को डालने से भी हलवे का स्वाद और अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे भी अच्छे से भून लें, क्योंकि अगर आप गुड़ डाल देंगे तो उसके बाद हलवा फ्राई नहीं होगा और कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए गुड़ डालने से पहले हलवे को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। लगभग सब पक जाने के बाद अब हम इसमें 250 से 300 ग्राम गुड़ डालेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि पानी डालने से हलवे की लाइफ कम हो जाएगी। अब आँच को धीमा कर लें और गुड़ को हलवे में मिलाते रहिए ताकि गुड़ पिघल जाए। जैसे ही गुड़ पिघल जाए, वैसे ही आंच को मीडियम फ्लेम करके लगातार हिलाते हुए हलवे को पकाइए ताकि गुड़ जले नहीं और हलवा कड़वा ना लगे। लगभग 10 से 15 मिनट तक मैंने हलवे को अच्छे से भून लिया है। इस हलवे को आप जितना अच्छे से भूनेंगे ना, यह उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इंतज़ार किसका है, मार्केट जाइए और पेठा लेकर आइए और इसका हलवा बनाकर बड़े, बूढ़े और बच्चे सबको खिलाइए, क्योंकि सर्दियों में खाने से इसके फ़ायदे बहुत हैं। जैसे कि ये आपके शरीर को हमेशा गर्म रखेगा, जोड़ों के दर्द से बचाएगा, सर्दी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा देगा। तो इस सर्दियाँ रहिए खुद भी सेहतमंद और सबको रखिए सेहतमंद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।